हे गाइस, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी टेस्ट के बारे में। मार्केट में कई सारे किट्स अवेलेबल होते हैं, कॉमर्शियली अवेलेबल, जिनका आप यूज करते हैं टेस्ट करने के लिए, और पता करते हैं कि आखिर में ये किट्स जो है किस तरीके से जो है टेस्ट के लिए यूज होता है। और ये काफी रिलायबल टेस्ट भी होता है और काफी एक्यूरेटली डिफाइन भी करता है कि कोई भी वुमेन प्रेगनेंट है या नहीं है। अब इस प्रेगनेंसी टेस्ट के पीछे या प्रेगनेंसी किट के पीछे क्या साइंटिफिक फिनोमिना इम्पॉर्टेंट है या क्या साइंटिफिक फिनोमिना अप्लाइड होता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो बात करने से पहले बात करूं कि आखिर में कौन से ऐसे जो है सोर्सेज है जहां से हम प्रेगनेंसी किट में सैंपल को यूज कर सकते हैं। तो यूरिन इसका एक बहुत ही कॉमन सोर्स होता है, और यूरिन जो है वो कह सकता है कि यही यूज होता है पॉजिटिव और नेगेटिव टेस्ट ऑफ प्रेगनेंसी के लिए। अब यूरिन में ऐसा क्या होता है? तो यूरिन में एक हार्मोन होता है जिसे आप एससीजी यानी ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन भी बोलते हैं। प्लेसेंटा इसे सिक्रीट करता है, और प्लेसेंटा का फॉर्मेशन तभी होगा जब प्रेगनेंसी कंसीव होगी, यानी कि प्रेगनेंसी हो रही है तभी तो प्लेसेंटा बनेगा। तो जो वुमेन प्रेगनेंट होगी उसमें प्लेसेंटा बन रहा होगा, उसी से ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज होगा, और जो वुमेन प्रेगनेंट नहीं होगी उसमें ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन रिलीज नहीं होगा। तो ऑब्वियस ही बात है कि एससीजी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल हो जाता है प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए। ये डिटरमाइन किया जाता है एक कॉमर्शियली अवेलेबल किट्स के द्वारा, जिसमें तीन रीजन आप देखते हैं। एक रीजन जो होता है या जोन जो होता है वो रिएक्शन जोन होता है, एक टेस्ट जोन होता है, और एक कंट्रोल जोन होता है। इन तीनों जोन में स्पेसिफिकली डिजाइंड एंटीबॉडीज होते हैं, और तीनों जोन में एंटीबॉडीज अलग अलग जो है कह सकते हैं फंक्शंस के लिए डिजाइन है, क्योंकि एंटीबॉडीज के पास फैब रीजन होते हैं और एफसी रीजन होते हैं। और जो आपके रिएक्शन जोन में एंटीबॉडीज होते हैं वो ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन के लिए होते हैं, और वो एंजाइम लिंक्ड होते हैं। यहाँ पे कोई भी डाई मॉलिक्यूल नहीं होता, यहाँ सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन जोन में एंटीबॉडीज होते हैं, और ये एंटीबॉडीज का जो फैब रीजन है वो डिजाइन होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन के लिए। टेस्ट रीजन में एंटीबॉडीज होते हैं, और ये एंटीबॉडीज स्पेसिफिकली मोबाइल नहीं होते, ये फिक्स्ड होते हैं, और ये भी ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन से जुड़ने के लिए बने होते हैं, और इसके यहाँ पे डाई मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। और जो कंट्रोल रीजन होता है उनमें जो एंटीबॉडीज होते हैं उनका जो फैब रीजन होता है वो एंटीबॉडीज के लिए होता है। कौन से एंटीबॉडीज के लिए? जो हमने रिएक्शन जोन और टेस्ट जोन में रखा है उसके लिए होता है, यानी कंट्रोल जोन का एंटीबॉडी अलग है, टेस्ट जोन और रिएक्शन जोन के एंटीबॉडीज सेम है, लेकिन टेस्ट जोन में एंजाइम लिंक एंटीबॉडीज नहीं है, वहां पे वैसे एंटीबॉडीज है जो कि रिएक्शन जोन के एंटीबॉडी से बाइंड करेगा। तो जब भी पॉजिटिव टेस्ट की बात करोगे, यूरिन सैंपल जैसे ही आपने स्पॉट पे ड्रॉप पे रखा, अगर कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन होगी तो उसमें ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन होगा, वो कैपिलरी रिएक्शन से डिफ्यूज होते होते रिएक्शन जो है जोन तक पहुंचेगा। और यहाँ पे अगर ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है, एससीडी हार्मोन है, तो यहाँ पे बाइंड करेगा अपने एंजाइम से थ्रू द एक्टिव साइट्स। यहाँ पे फैब रीजन है, एपिटोप्स पैराटोप्स जो आपस में रिएक्शन शो करेंगे, और क्योंकि यहाँ पे एंटीबॉडीज इमोबिलाइजेबल है तो वो डिफ्यूज होते हैं कैपिलरी रिएक्शन के थ्रू, और रिएक्शन जोन से डिफ्यूज होते होते कहाँ तक पहुंचेंगे? टेस्ट जोन के पास पहुंचेंगे। टेस्ट जोन में जो एंटीबॉडीज होते हैं, ये एंटीबॉडीज इनका जो फैब रीजन होता है वो एससीजी के लिए ही स्पेसिफिक होता है, तो इसलिए ये एससीजी मॉलिक्यूल से यहाँ पे बाइंड करेंगे। ये उन एंटीबॉडी से बाइंड करेंगे जो एससीजी से बाइंडेड हैं, लेकिन कई ऐसे एंटीबॉडीज होंगे जो कि एससीजी से बाइंड नहीं किए होंगे, तो वो मॉलिक्यूल डिफ्यूज होते होते टेस्ट जोन के बजाय कहाँ पे पहुंच जाएंगे? कंट्रोल जोन तक। तो कुछ एंजाइम्स जो नॉन बाउंडेड एंजाइम्स थे वो कंट्रोल जोन तक डिफ्यूज होंगे, और कुछ ऐसे एंटीबॉडीज जो कि एससीजी से बाउंडेड होंगे वो टेस्ट जोन में ही रुक जाएंगे। तो टेस्ट जोन में भी आपके एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडीज होंगे, और कंट्रोल जोन में भी एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडीज होंगे, और दोनों जगहों पे डाइस थे जिसकी वजह से डाइस को कन्वर्ट करके कलर प्रोड्यूस होगा, और पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट में आपको दो बैंड नजर आते हैं, लेकिन नेगेटिव प्रेगनेंसी टेस्ट में एक ही बैंड नजर आता है। अब उसके पीछे रीजन समझने की कोशिश करो कि आखिर नेगेटिव टेस्ट में कैसा हो रहा है। तो नेगेटिव टेस्ट में समझ लिए कि कोई एससीजी है नहीं, क्योंकि महिला प्रेग्नेंट नहीं है, तो ऐसे केस में क्या होगा कि कोई ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन था नहीं। अब ये कैपिलरी रिएक्शन से यूरिन जो है वो रिएक्शन जोन में पहुंचा। अब रिएक्शन जोन में कोई जब ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन था ही नहीं, तो अब कोई बाइंडिंग नहीं हुई, सारे के सारे एंटीबॉडीज फ्री थे। अब फ्री है तो टेस्ट जोन के एंटीबॉडीज से वो जुड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि टेस्ट जोन के एंटीबॉडीज किसके लिए बने थे? ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन के लिए बने थे, वो एंटीबॉडीज के लिए तो बने नहीं थे। एंटीबॉडीज के लिए तो कंट्रोल जोन भी बना हुआ, तो दैट्स वाई सारे के सारे फ्री एंटीबॉडीज कहाँ पहुंच जाएंगे? टेस्ट जोन की जगह पहुंच जाएंगे कंट्रोल जोन में, और जैसे वो कंट्रोल जोन में पहुंचे यहीं पे वो अपने एफसी रीजन से यहाँ के एंटीबॉडी से जुड़ जाएंगे, और जुड़ने के बाद क्योंकि वो एंजाइम लिंक थे तो डाई मॉलिक्यूल्स को क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करेंगे या उसे कन्वर्ट करेंगे और कलर प्रोड्यूस करेंगे। टेस्ट जोन में कोई कलर क्यों नहीं प्रोड्यूस हुआ? क्योंकि कोई भी ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन था ही नहीं,
तो कोई एंटीबॉडीज एंजाइम लिंक्ड या कोई एंटीबॉडीज ह्यूमन कोरियोनोप्रोटीट्रोपिन लिंक्ड हुआ ही नहीं। इसीलिए आपके प्रेगनेंसी टेस्ट में जब दो बैंड्स आते हैं तो आप कहते हैं कि प्रेगनेंसी जो है वो है, क्यों? क्योंकि टेस्ट में भी पॉजिटिव है एज वेल एज कंट्रोल में भी पॉजिटिव है। और जब आप निगेटिव टेस्ट की बात करते हैं तो उसमें टेस्ट में निगेटिव होता है लेकिन कंट्रोल में स्टिल आपको कलर प्रोड्यूस होता है, तो एक बैंड विजुलाइज होते हैं जब आप देखते हैं एक बेसिक तौर पे नेगेटिव टेस्ट के लिए, और दो बैंड विजुलाइज होंगे पॉजिटिव टेस्ट के। ये वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर बताइए कि कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।